नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइजेस, जिनको कि आप आराम से अपने बेड पर बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपकी पूरी अपर बॉडी के फैट को बिल्कुल आसानी से रिड्यूस कर देगी। चाहे आपके बाजू पर चर्बी है, आपकी बाजू मोटी मोटी है, या फिर आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया है, आपके ब्रेस्ट पर फैट है, या फिर आपके बैक में फैट है, जिसपे कि हम पीठ पर बोलते हैं, कई लोगों के यहाँ बहुत फैट हो जाता है, या फिर आपके कंधों पर, या फिर आपके ये पूरे ऊपर का जो कमर का हिस्सा होता है यहाँ पर, यानी कि पूरी अपर बॉडी फैट। क्योंकि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आपकी बाजू को उठा के, तो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ़ेक्ट होता ही होता है। अगर आपके किसी एक बॉडी पार्ट्स पर फैट नहीं है तो वो क्या होगा, टोन हो जाएगा, शेप में आ जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट ज़रूर होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इसी तरीके से बैठे रहना है, इसके लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठना है, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना चाहते हैं तो आप अपने इस तरीके से घुटनों पर भी बैठ सकते हैं। बेटर होगा कि आप इस तरीके से बैठ कर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और हमारी बॉडी पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ लाते हुए सामने लाएंगे और सीधा देखेंगे। 1 2 बिल्कुल आसान है, 3 4 थोड़ा सा अपने हाथों को टाइट करके रखें, बिल्कुल लूज नहीं करना है, 5 6 जब आप अपने हाथों को इस तरीके से ले जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करें, 7 8 9 10 फ्रेंड्स, आपको इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। हो सकता है मैं थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। जितना धीरे करेंगे उतना आपको स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी और आपकी बॉडी पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक करते हैं तो हमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, तो आपकी बॉडी पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप इसको जल्दी जल्दी इस तरीके से करेंगे तो आपकी बॉडी पर इसका ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो आपको धीरे धीरे करना है। इसको आपको करना है, शुरुआत में आप इसको करेंगे 40 सेकेंड, लेकिन 1 या 2 दिन बाद आप इसको पूरा 1 मिनट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए क्या है, हम आलती पालती मार के ही बैठ जाते हैं, इससे ही तरीके से आपको ज़्यादा आसानी होगी। अपने दोनों हाथों को फ्लोर पे रख लेना है, हथेली बिल्कुल सीधा और बिल्कुल आसान है, 1 दूसरी तरफ 2 3 4 अच्छे से ले जाएंगे, साइड की तरफ ले जा सकते हैं जितना, 5 6 7 अब इसको भी इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छे से उठाएंगे और ये पूरा हिस्सा आपका उठना चाहिए, यानी कि स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, ठीक है। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आपकी जो कोहनी है वो मुड़ना नहीं चाहिए, इस एक्सरसाइज में सीधी होना चाहिए। जब आप ले जाते हैं तो आपका जो हाथ है वो बिल्कुल सीधा, ये पूरा सीधा होना चाहिए, तभी आपके यहाँ पर बैक पर और बाजू पर इसका इफेक्ट होगा। एक्सरसाइज है, अपने दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे, अपने हाथों की इस तरीके से मुट्ठियाँ बना लेंगे और बिल्कुल सीधा, कोहनी आपकी मुड़नी नहीं चाहिए, ध्यान रखें, बिल्कुल सीधा और साइड से जाएंगे, 1 पीछे जितना हाथ ले जा सकते हैं, जितना ले जा पाएंगे उतना ज़्यादा आपके बाजू पर, ब्रेस्ट पर, बैक पर इसका इफेक्ट होगा। तो पीछे ले जाएंगे और जब सामने लाते हैं तब भी स्ट्रेचिंग करते हुए सीधे लाएं, ताकि आपके बैक पर अच्छा इफेक्ट हो। 3 4 5 6 7 8
नाइन टेन, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड करना भी मुश्किल है, लगता है कि बिल्कुल आसान है और करने में भी आसान है, लेकिन 30 सेकंड में ही आपके यहाँ पर बहुत रिजल्ट डालेगी, बहुत स्ट्रेचिंग होती है। लेकिन ध्यान रखें इस एक्सरसाइज को करते समय अगर आपकी कोहनी मुड़ी है, अगर आप इसको लूज इस तरीके से कर रहे हैं तो रिजल्ट की आशा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरीके से करने से आपको ज़्यादा इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए हमें अपने दोनों हाथों को सबसे पहले बैंड कर लेना है, ऊपर की तरफ ले जाना है और जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं कोशिश करेंगे इस तरीके से। वन, मैं आपको एक बार पीछे से दिखाती हूँ ताकि आप सही से देख पाएं, इस तरीके से। टू, जितना पीछे ले जाएंगे आप उतना आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, सो थोड़ा सा कोशिश करिए पीछे ले जाने की। थ्री फोर, आपका बैक फैट भी जाएगा। फाइव, सामने से देखेंगे अभी हम। सिक्स सेवन, बैंड करके रखें अच्छे से टाइटली। एट नाइन टेन, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। इसको आपको करना है 25 टाइम, 25 की आपको इसकी 3 सेट करना है, 3 सेट जरूर करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, ये बहुत खास है, इसको हम जल्दी से देख लेंगे, थोड़ा सा ही देखेंगे। अपने दोनों हाथों को हमें क्या करना है, पीछे ले जाना है और बस आपको हाथ को मिलाने की कोशिश करना है, बिल्कुल आसान है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। बस आपको क्या करना है, अपने इसको टच करने की कोशिश करना है, नहीं होगा टच लेकिन हमें इसी को करना है कोशिश इस तरीके से। जब आप करेंगे आप देखेंगे आपका ब्रेस्ट बाजू कंधा बैक पूरा फैट खत्म हो जाएगा, और इसको आपको सिर्फ 20 बार ही करना है, सिर्फ 20 बार करना है। और 20 के थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके आप 3 सेट कर सकते हैं, शुरुआत में 2 बाद में 3। से ये सारी एक्सरसाइज हैं, बिल्कुल आसान है, आप अपने बेड पर बैठ जाइए, टीवी वगैरह देखते जाइए और आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम भी नहीं है कि सुबह करें भूखे पेट करें कब करें, जब समय मिले आप तब कर सकते हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डाइट आपकी ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट में क्या करना है मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको अपने खाने में सब्जियाँ ज़्यादा ऐड करना है, सलाद ज़्यादा ऐड करना है, दही ऐड करना है, और आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अपना खाना है उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, और आपको बाहर का बहुत सारा मीठा वीठा ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होगी। फास्ट फूड तो स्पेशली आपको बंद करना ही होगा, अगर आप उसको खाते रहेंगे तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फिर आपका कुछ होने वाला है नहीं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल जरूर लगा होगा, पसंद आया है। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, लाइक करिए शेयर करिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अपने आप को हमेशा फिट रखें।